नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और मंगलवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज शाम 7:24 तक रहेगी, उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। फिलहाल चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन होली का त्यौहार है, जहाँ कल के दिन होलिका दहन किया गया था, वहीं आज के दिन रंग खेलकर होली का त्यौहार मनाया जाएगा। आज के दिन को वसंतोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। आज से वसंत ऋतु का प्रारंभ माना जाता है। आज के दिन काशी में 64 देवी के दर्शन किए जाने की परंपरा भी है। इसके अलावा आज होली के इस खास अवसर पर किन कार्यों का महत्व है, आज के दिन आपको आपकी राशि के अनुसार किन रंगों से होली खेलनी चाहिए, साथ ही विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए होली खेलने के बाद आपको क्या करना चाहिए और विभिन्न परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और अपने काम की गति को बनाए रखने के लिए आज के दिन आपको होली के राग से कौन से उपाय करने चाहिए, आज हम इस सब की चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर, क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, आज अगर कोई नया एग्रीमेंट साइन करना है तो कितने बजे उसे साइन करना उचित रहेगा। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की, किस दिशा में जाने से होगा फायदा और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जयदियों की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 15 को सुबह सूर्योदय से दोपहर पहले 11:23 तक रहेगा, और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग भी नहीं बन रहा है। अब ये योग 11 को सुबह सूर्योदय से शाम 7 तक रहेगा, और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 11 को सुबह 6:48 से दोपहर पहले 11:44 तक और दोपहर 1:58 से शाम 6:36 तक रहेगा। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 20 को दोपहर 1:40 से रात 8:59 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 18 को सुबह 6:27 से 9:20 तक और दोपहर पहले 11:16 से दोपहर 1:01 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 13 को शाम 4:11 से 7:29 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल सुबह 8:13 से दोपहर पहले 11:44 तक और दोपहर 1:58 से शाम 6:36 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:52 पर शुरू हुआ था और दोपहर 2:02 से रात 8:56 तक रहेगा। अगर आप कोई वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल सुबह 6:35 से रात 8:52 तक रहेगा। आज कोर्ट कचहरी के अंदर किसी मामले में दरख्वास्त देने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल सुबह 8:13 से दोपहर पहले 11:44 तक और दोपहर 1:58 से शाम 6:36 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल सुबह 8:13 से दोपहर पहले 11:44 तक और दोपहर 1:58 से शाम 6:36 तक रहेगा। आज अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल सुबह 6:48 से दोपहर पहले 11:44 तक और दोपहर 1:58 से रात 8:52 तक रहेगा। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 13 की शाम
4:11 से 7:29 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति समय से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 6:43 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:29 से शाम 4:58 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:48 से शाम 5:17 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:30 से शाम 4:59 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:15 से शाम 4:44 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:29 से शाम 4:58 तक। कोलकाता दोपहर 2:45 से शाम 4:15 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:48 से शाम 5:17 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:19 से शाम 4:49 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, घर से निकलकर किधर जाएं कि फायदा हो, तो वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। आज आप अपने शहर से दक्षिण पूर्व और दक्षिण दिशा में पड़ने वाले शहरों की यात्रा के लिए जा सकते हैं। यात्रा शुभ होगी, यात्रा कल्याणकारी होगी। आपको रिश्ते के लिए जाना है, आपको किसी नए काम या एग्रीमेंट के लिए जाना है, घर से दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा में जाइए। ऑफिस जाते समय खास ख्याल रखिए, घर से निकलकर कुछ कदम 7 कदम दक्षिण पूर्व या दक्षिण दिशा में जाइए। क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। आज आपके कुछ नए दोस्त भी बनेंगे। किसी खास क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए आप तत्पर रहेंगे। माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में और मधुरता बढ़ेगी। लवमेट को उपहार मिलेगा। किसी से बात करते समय शब्दों पर संयम रखें। आज आपको भावुक होने से बचना चाहिए। आज आपको लाल रंग से होली खेलना अच्छा रहेगा। चावल से बनी खीर से भगवान का भोग लगाएं, स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में समय बिताएंगे। आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपकी तारीफ होगी। किसी भी नए ऑफर के लिए आप तैयार रहेंगे। खुशियां कभी भी मिल सकती हैं। सामाजिक कामों में आप सफल होंगे। आज आपको नीले रंग से होली खेलना फायदेमंद रहेगा। आज आप घर पर छोटी सी पार्टी करेंगे जिससे लोगों का आना जाना लगा रहेगा। मंदिर में चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती जलाइए। लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। आपको संचार साधनों से फायदा होगा। आज ज्यादातर चीजें बहुत आसानी से सुलझती जाएंगी। आपको कुछ नए अनुभव प्राप्त होंगे। इस राशि के शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े छात्रों को बेहतर परिणाम मिलेंगे। आज पूरे दिन घर में उत्सव का माहौल बना रहेगा। आज ब्राउन रंग से होली खेलना आपके लिए हितकर रहेगा। घर पर दोस्तों का आना जाना लगा रहेगा। आज 7 चुटकी होली की राख और 7 गुमटी चक्र बांधकर तिजोरी में रखें। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज आप परिवार वालों के साथ होली का आनंद उठाएंगे। घर पर अचानक से मेहमान आएंगे। आज आपको सबकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। दोस्तों से तालमेल अच्छा बना रहेगा। शाम को आप थोड़ी थकान महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। लव मेट्स के लिए आज का दिन खुशियां देने वाला रहेगा। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आज आप पैसों को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें। जरूरतमंद को वस्त्र दान करें। आपके साथ सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज किसी पुरानी बात को लेकर आपकी चिंता बढ़ेगी।
लेकिन बच्चों के खेलकूद से आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। जितना हो सके घर में समय बिताइए, इससे सबके साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। घर में किसी समारोह का आयोजन करेंगे, किसी से ज़्यादा दिन से चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी। आज आपको कई तरह के पकवानों का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। दंपति एक दूसरे को गोल्डन या पीला रंग लगाएं, रिश्तों में और भी अधिक मजबूती आएगी। दोस्तों के साथ होली का आनंद उठाएंगे, हनुमान जी का दर्शन करें, आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज पूरे दिन आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। आप अपनी भावनाओं को लेकर कुछ सोच विचार कर सकते हैं। दोस्तों के साथ संबंध बेहतर होंगे, उनसे मिलकर आपको किसी काम में फायदा भी होगा। आपको पैसे कमाने के लिए नए मौके मिलेंगे। इस राशि के रचनात्मक काम में लगे लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी। बिजनेस की तरक्की और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आज हनुमान जी को केसरिया रंग के गुलाल से टीका लगाइए। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफ्रॉन और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल होंगे। आज पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस राशि के कारोबारियों के लिए कोई बड़ी डील होने के योग बन रहे हैं। जीवन साथी के साथ खुशी के पल व्यतीत करेंगे। अविवाहित तो लोगों के विवाह का योग बन रहा है। लवमेट्स अगर घर पर अपनी शादी की बात करें तो बात बन सकती है। आज शाम को किसी रिश्तेदार के यहाँ डिनर पर जाएंगे। आज ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, समस्याओं का हल मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आप सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा जरूर लेंगे। किसी जरूरी काम में दोस्तों का सहयोग मिलेगा। जीवन में तरक्की मिलने से परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। आज आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स को करियर में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आपको दूसरे लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा। आप पूरा दिन उत्साहित रहेंगे। आज जीवन साथी से कोई उपहार मिलेगा। लवमेट्स के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं, दोस्तों के साथ संबंध बेहतर होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज आपको अचानक से धन लाभ होगा। संतान पक्ष से आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। पैसों के मामले में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। आप कोई नई चीज़ सीख सकते हैं। दूसरे लोगों से की सलाह आज फायदेमंद होगी। नए दोस्तों से मुलाकात आपको फायदा दिलाएगी। आज किसी समारोह में शामिल होने के भी योग हैं। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। आप किसी फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जाएंगे। आपको व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। मंदिर में घी का दीपक जलाएं, संतान सुख की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज घर में किसी बड़े की सलाह लेकर ही आपको कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। किसी अनजान पर भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। आपको किसी को भी बहुत जल्दी में अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। आज आप अपनी जीवन शैली में बदलाव के बारे में विचार करेंगे। बच्चों के साथ मनोरंजक समय बिताएंगे। अपने गुरु को कुछ गिफ्ट दीजिए, आपकी सभी परेशानियों का हल निकलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक रहेगी। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आपका कोई दोस्त अपने परिवार के साथ आपके घर पर आ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज आपका रुझान सामाजिक कार्यों की तरफ रहेगा। जीवन साथी के साथ मीठी नोकझोंक हो सकती है। दंपति एक दूसरे को हरा गुलाल लगाएं, रिश्तों में और मजबूती आएगी। अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। वाहन लेने का मन बनाइए। अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं, आपका दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज आप कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपका कांटेक्ट होगा। पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा। जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बना रहेगा। अपने व्यक्तित्व के दम पर आप समाज में के कुछ लोगों को अपने फेवर में करने में सफल होंगे। इससे आपको भविष्य में पूरा फायदा मिलेगा। आज आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। आज शाम को आपके घर को रिश्तेदार डिनर पर आएंगे। जरूरतमंद को भोजन कराएं। कार्यों में आ रही रुकावटें समाप्त होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है वो आज नया बर्तन घर पर लाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गाय को प्रणाम करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में।
मूलांक एक वालों पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा, परिवार के लोगों का सहयोग और सानिध्य आपको मिलेगा। मूलांक दो नकारात्मक सोच आप अपने से दूर रखें, जिससे चीजें खुद बखुद ठीक होती रहेंगी। मूलांक तीन काम धंधे को लेकर की गई यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। मूलांक चार धन लाभ के लिए आप ज्यादा भागदौड़ करेंगे, यह मेहनत आपकी रंग लाएगी। मूलांक पांच जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें किसी के जरिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। मूलांक छह धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे, साथ ही आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। मूलांक सात कोई खास बात आपको पता चलेगी, ये खास बात आपके लिए बहुत खास होगी। मूलांक आठ कोई बड़ा कार्य सफल होने पर आप प्रसन्न होंगी। मूलांक नौ विवादित विषयों से दूर रहे, नहीं तो आपको ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे आपके मूलांक के अनुसार होली के रंगों के बारे में। आज होली यानी रंगों का त्यौहार है। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने मूलांक के अनुसार किस रंग से होली खेलना आपके लिए शुभ रहेगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका मूलांक क्या है। देखिए अगर आपके जन्म की तारीख है 12 तो आपका मूलांक 1+2 यानी 3। ऐसे ही मान लीजिए आपके जन्म की तारीख 29 है तो आपका मूलांक 2+9=11। फिर जोड़ दीजिए, आप इसे फिर से जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 1+1=2। यानी 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। इसी तरह से आप भी अपना मूलांक जान सकते हैं। बता दूं कि कुल 1 से लेकर 9 तक मूलांक होते हैं। अतः मूलांक के हिसाब से अगर होली के रंगों की बात की जाए यानी इस बार आपको किस रंग से होली खेलनी चाहिए, तो आपको बता दूं कि मूलांक 1 वालों को ऑरेंज कलर से होली खेलनी चाहिए। अब मूलांक 1 किसका है? जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ हो, 10 तारीख को हुआ हो, 19 तारीख को हुआ हो या 28 तारीख को हुआ हो। मूलांक 2 वालों को सफेद रंग से होली खेलनी चाहिए। मूलांक 2 किसका है? या तो 2 तारीख को आप पैदा हुए हो किसी भी महीने की, या 11 को पैदा हुए हो, 20 को पैदा हुए हो या 29 को पैदा हुए हो, तो मूलांक 2 है। और मूलांक 3 वालों को पीले रंग से होली खेलनी चाहिए। मूलांक 3 मतलब 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख। मूलांक 4 वालों को नीले रंग से होली खेलनी चाहिए, 4, 13, 22, 31। मूलांक 5 वालों को हरे रंग से होली खेलनी चाहिए, 5, 14 और 24 तारीख को पैदा लोगों का मूलांक 5। मूलांक 6 वालों को ऑफ वाइट कलर से होली खेलनी चाहिए। मूलांक 6 का मतलब है जो लोग 6 तारीख को पैदा हुए हों या 15, 5 और 1 6 या 24, 2 और 4 6, उन लोगों को ऑफ वाइट कलर से होली खेलनी चाहिए मूलांक 6 वालों को। और मूलांक 7 वालों को सफ़ेद रंग से होली खेलनी चाहिए। मूलांक 7 का मतलब जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ हो उन्हें सफ़ेद रंग से होली खेलनी चाहिए। मूलांक 8 वालों को आसमानी रंग से होली खेलनी चाहिए। मूलांक 8 मतलब किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को अगर आप पैदा हैं तो आपका मूलांक 8 है, आपको इस बार आसमानी रंग से होली खेलनी चाहिए। और मूलांक 9 वालों को लाल रंग से होली खेलनी चाहिए। मूलांक 9 का मतलब किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को अगर आप पैदा हैं तो आपका मूलांक 9 है और आपको लाल रंग से होली खेलनी चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और मंगलवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज शाम 7:24 तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। फिलहाल चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन होली का त्यौहार है, जहां कल के दिन होली दहन किया गया था वहीं आज के दिन रंग खेलकर होली का त्यौहार मनाया जाएगा। आज के दिन को वसंतोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। आज से वसंत ऋतु का प्रारंभ माना जाता है। आज के दिन काशी में 64 देवी के दर्शन किए जाने की भी परंपरा है। आज के दिन बहुत ही भव्य तरीके से देवी का साज श्रृंगार किया जाता है और उनकी यात्रा निकाली जाती है। इसके अलावा आज होली के इस खास अवसर पर किन कार्यों का महत्व है, आज के दिन आपको अपनी राशि के अनुसार किन रंगों से होली खेलनी चाहिए, साथ ही विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए होली खेलने के बाद आपको क्या करना चाहिए, इसके अलावा जीवन में चल रही विभिन्न परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और अपने काम की गति को बनाए रखने के लिए आज के दिन आपको होली की राग से कौन से उपाय करने चाहिए, आज हम इस सब की चर्चा करेंगे। वैसे हमने आपको इस बारे में कल ही बता दिया था कि आप होलिका दहन के बाद होली की थोड़ी सी राख लाकर अपने घर में जो राग को अंगार ला के रख लें,
क्योंकि आज हम आपको उससे जुड़े बेहद ख़ास उपायों के बारे में बताएंगे। तो उम्मीद है कि आपने आज सुबह होली से अंगारे आप ले आए होंगे, आग ला कर रख ली होगी। वैसे अगर किसी कारणवश नहीं ला पाए हो तो अभी भी शायद आपको होलिका दहन वाले स्थल पर आग मिल जाएगी। और अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं सबसे पहले आज के दिन किए जाने वाले खास कार्यों की। सबसे पहले आज के दिन सुबह उठकर घर के आंगन को साफ करके वहाँ पर एक वर्गाकार आकृति बनानी चाहिए और उसके बीच में कामदेव की पूजा करनी चाहिए। फिर घर की महिलाओं द्वारा कामदेव की प्रतिमा पर चंदन का लेप लगाना चाहिए और कामदेव से प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए कि काम देवता मुझ पर प्रसन्न हो। साथ ही यथाशक्ति ब्राह्मण आदि को दान करना चाहिए और आज के दिन चंदन लेप से मिश्रित आम का बौर खाना चाहिए। कहते हैं इसे व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आज के दिन धूल की वंदना करनी चाहिए और होलिका विभूति को यानी होली के राख को धारण करना चाहिए। साथ ही आज के दिन मड बाथ यानी मिट्टी से स्नान करने की भी परंपरा है। आज के दिन पानी से स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी लगानी चाहिए और उसके कुछ देर बाद स्नान करना चाहिए। तो ये थी आज के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय कार्यों की चर्चा। इसके अलावा अपनी विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले चर्चा करेंगे आज के दिन विभिन्न राशि वालों को किस रंग से होली खेलनी चाहिए और विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए होली खेलने के बाद क्या करना चाहिए। पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों, आज के दिन लाल गुलाल से होली खेलिए और होली खेलकर नहाने के बाद लाल रंग के कपड़े पहनकर ही घर के मंदिर में माथा टेक कर प्रणाम करें। साथ ही अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए दूध और चावल से बनी खीर का भगवान को भोग लगाकर गरीब बच्चों में बांट दें। अपने और अपने परिवार के बिजनेस की तरक्की और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए अपने परिवार के पुरुषों से कहें कि वो अपने मस्तक पर और घर की महिलाएं अपने गले पर होली की राख से टीका लगाएं। इससे आपके बिजनेस में, आपके साथ, आपके ऐश्वर्य में भी वृद्धि होगी। वृष राशि वालों, आज के दिन नीले रंग के गुलाल से होली खेलिए और होली खेल कर नहाने के बाद नीले रंग के कपड़े पहनकर अपने पास एक साफ सुथरे रुमाल में थोड़ा सा इत्र लगा कर रख लें। साथ ही अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंदिर में चंदन की सुगंध वाली धूप जलाइए और अपने बिजनेस की तरक्की और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए 21 चुटकी होली की राख और 5 लोहे की कील नीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी दुकान या ऑफिस के मुख्य द्वार पर लटका दें। आपकी आर्थिक स्थिति अपने आप बेहतर होने लगेगी। मिथुन राशि वालों, आज के दिन ब्राउन रंग से होली खेलिए और होली खेलकर नहाने के बाद भूरे रंग के कपड़े पहनकर कपूर से पूरे घर में धुआं करें। साथ ही अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए शाम के समय मंदिर में 5 कपूर के दीपक जलाइए और अपने बिजनेस की तरक्की और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए 7 चुटकी होली की राख और 7 गोमती चक्र बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। इससे आपकी कामयाबी सुनिश्चित होगी। कर्क राशि वालों, आज के दिन बैंगनी रंग के गुलाल से होली खेलिए और होली खेलकर नहाने के बाद बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर घर में अगर बड़ा भाई है तो उनसे, नहीं तो अपने बड़े भाई समान लोगों से गले मिलिए। साथ ही अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए खोए की मिठाई का भोग भगवान को लगाइए और अपने बिजनेस की तरक्की और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अपने मस्तक पर होली की राख से तिलक लगाइए। आपको हर तरफ से सफलता मिलेगी। और सिंह राशि वालों, आज के दिन गोल्डन येलो गुलाल से होली खेलिए और होली खेलकर नहाने के बाद कुछ मीठा खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। साथ ही अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए दही से बनी किसी चीज़ का दान करें और अपने बिजनेस की तरक्की और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए 11 चुटकी होली की राख और 2 पीली धारियों वाली कौड़ियाँ गोल्डन येलो रंग के कपड़े में बांधकर अपने पैसों वाले स्थान पर रख लें। आपका आर्थिक पक्ष निश्चित ही मजबूत होगा। कन्या राशि वालों, आज के दिन केसरिया रंग के गुलाल से होली खेलें और होली खेलकर नहाने के बाद पीले या केसरिया रंग के कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे को स्पर्श करें। साथ ही अपनी अच्छी सेहत के लिए आटे को भूनकर पंजीरी बनाएं और उसमें तुलसी की पत्ती डालकर भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद सब में बांट दें। अपने बिजनेस की तरक्की और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए 11 चुटकी होली की राख, थोड़ी सी राई और थोड़ा सा सफ़ेद नमक लेकर पीले रंग के कपड़े में बांध लें और अपने व्यावसायिक स्थल के मेन गेट पर टांग दें। इससे सफलता आपके कदम चूमेगी। तुला राशि वालों, आज के दिन आप अबीर में थोड़ा सा गुलाल मिलाकर उससे होली खेलिए और होली खेलकर नहाने के बाद
सिल्वर या वाइट रंग के कपड़े पहनकर अपने आस पड़ोस में रहने वाले अपनों से बड़ों को सिर झुकाकर प्रणाम करें। साथ ही अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए बूंदी के लड्डू का भगवान को भोग लगाकर बच्चों में बांट दें और अपने बिजनेस की तरक्की और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए 7 चुटकी होली की राख और 7 काजल की डिब्बी लेकर सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधकर अपने दुकान के गल्ले में या अपने ऑफिस की तिजोरी में रख लीजिए। आपके बिजनेस को कभी किसी की नज़र नहीं लगेगी। वृश्चिक राशि वालों, आज आप लाल गुलाल से होली खेलिए और होली खेलकर नहाने के बाद लाल रंग के कपड़े पहनकर अपने कुल देवता को हाथ जोड़कर नमस्कार करें। साथ ही अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिस्ते से बनी मिठाई का दान करें और अपने बिजनेस की तरक्की और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए 2 चुटकी होली की राख और 2 लोहे की कील लेकर लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी दुकान या ऑफिस के मुख्य द्वार पर लटका दें। आपको जल्द ही फायदा देखने को मिलेगा। धनु राशि वालों, आज के दिन आप हल्के हरे गुलाल से होली खेलिए और होली खेलकर नहाने के बाद अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। साथ ही अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए सूजी का हलवा बनाकर माता दुर्गा को भोग लगाकर मंदिर के बाहर बैठे लोगों में बांट दीजिए। अपने बिजनेस की तरक्की और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए होली की राख को चांदी के ताबीज में भरवा लें और उस ताबीज को पिस्ता ग्रीन यानी हल्के हरे रंग के कपड़े में बांधकर अपनी दुकान या ऑफिस के मेन गेट पर लटका दें। आपका बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। और मकर राशि वालों, आज के दिन आप हरे गुलाल से होली खेलें और होली खेलकर नहाने के बाद हरे रंग के कपड़े पहनकर अपने दोस्तों को गले लगाएं। साथ ही अपनी अच्छी सेहत के लिए गुजिया की मिठाई दान करें और अपने बिजनेस की तरक्की और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए 1 मुट्ठी होली की राख और 1 चांदी का सिक्का लेकर हरे रंग के कपड़े में बांधकर 1 लकड़ी के बक्से में रख दें। आपको जल्द ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुंभ राशि वालों, आज के दिन आप गुलाबी रंग के गुलाल से होली खेलें और होली खेलकर नहाने के बाद गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर अपनी माता के चरण स्पर्श करें। साथ ही अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए हरे मूंग का दान करें और अपने बिजनेस की तरक्की और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए 5 चुटकी होली की राख और 2 हल्दी की गांठ गुलाबी रंग के कपड़े में बांधकर अपनी दुकान या ऑफिस की तिजोरी में रख लें। इससे आपकी तरक्की ही तरक्की होगी। और मीन राशि वालों, आज के दिन आप ऑरेंज गुलाल से होली खेलिए और होली खेलकर नहाने के बाद ऑरेंज रंग के कपड़े पहनकर घर में अपने से छोटों को कुछ न कुछ गिफ्ट करें। साथ ही अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपनी मनपसंद मिठाई का दान करें और अपने बिजनेस की तरक्की और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए 5 चुटकी होली की राख और 5 तांबे के सिक्के ऑरेंज रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। आपकी तरक्की ही तरक्की होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज होली यानी धुलेंडी के बारे में। आज होली के इस खास अवसर पर आपको कौन से कार्य करने चाहिए, अपनी राशि के अनुसार किन रंगों के गुलाल से होली खेलनी चाहिए और साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति के लिए होली खेलने के बाद क्या करना चाहिए, इसके अलावा अपने जीवन में विभिन्न समस्याओं से बचने के लिए, बुरी नज़र से छुटकारा पाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए और अपने घर की खुशहाली के लिए आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, आज हमने सबके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आपको इस चर्चा से लाभ जरूर मिलेगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज किस्मत आपके साथ रहेगी जिससे आपको आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। B, कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपका कोई खास व्यक्ति आपसे खुश होगा। C, बिजनेस के सिलसिले में नए लोगों से मिलेंगे, वो आपके बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। D, लवमेट्स के साथ घूमने के लिए समय निकालेंगे जिससे आपके रिश्तों में और प्यार बढ़ेगा। E, व्यापार के मामले में आज का दिन अच्छा रहेगा, व्यापार में आज अच्छा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। F, आज का दिन आपके लिए सामान्य बना रहेगा, कुछ कामों में आप तनाव महसूस करेंगे। G, दफ्तर में आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, आपके ऊपर कुछ काम का बोझ कुछ ज़्यादा ही बना रहेगा। H, परिवार के साथ आज ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए जिससे आपके बीच प्यार भरी मधुरता बनी रहे। I, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा निवेश करना चाह रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ कर निवेश करें।
जे आपके लिए आज का दिन रोमांचक बना रहेगा, दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करेंगे। के करियर में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिसका आप काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। एल आज आप सेहत के प्रति थोड़ा सचेत रहें, खान पान पर विशेष ध्यान दें। एम काम के लिहाज से आज का दिन बेहतर बना रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपके काम पूरे होंगे। एन आपकी कोई योजना अटकी है तो वो योजना पूरी होगी। ओ आपके ऊपर अचानक से कोई जिम्मेदारी आएगी जिससे आप पूरा दिन व्यस्त बने रहेंगे। पी विवाहितों के लिए दिन खुशनुमा रहेगा, जीवन साथी के साथ किसी ट्रिप पर घूमने जाएंगे। क्यू लेखकों के लिए दिन बेहतरीन रहेगा, आपकी लिखी हुई कोई कहानी मशहूर होगी। आर नकारात्मक भावनाओं पर आप काबू रखें, साथ ही किसी विवाद में पड़ने से बचें। एस कामकाज में आपको खूब धन लाभ होगा, परिवार के साथ खुशी बांटेंगे। टी आपका मन आज व्याकुल रहेगा, जीवन साथी का साथ मिलने से सब अच्छा होगा। यू आर्थिक मामलों में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, अचानक से आपको धन लाभ होगा। वी रुका हुआ आपका धन आपको वापस मिलेगा और रोजगार पाने की नई दिशा मिलेगी। डब्ल्यू रोजगार के मामले में नए रास्ते खुलेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। एक्स किसी तीर्थ स्थल पर जाएंगे, आपके पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। वाई किसी बुजुर्ग व्यक्ति से आपको ऐसी राय मिलेगी जिससे आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। जेड बच्चों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा, पेरेंट्स के साथ किसी मनोरंजन पार्क में घूमने जाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको लेकर चलेंगे वृंदावन। यहाँ स्थित है प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर। ये मंदिर वृंदावन धाम में स्थित है, ये भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक। बांके बिहारी को श्री कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है। यूँ तो इस मंदिर में रोजाना ही भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन इन दिनों यहाँ का पूरा वातावरण होली के रंग में रंगा हुआ है। टेसू के फूलों के रंग में भक्ति का रंग मिल जाने से ये और चटक और सुर्ख हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो हर ओर मनोहर शाम प्रकट हो गए हैं। वृंदावन की गलियां भक्ति के रंग में सराबोर हैं और भक्त अपने आराध्य के साथ होली के रंग रंग जाने को आते हैं। इस बार तो बांके बिहारी मंदिर की होली और भी खास है, क्योंकि बांके बिहारी जी की चांदी की पिचकारी से निकलने वाले टेसू के रंग अमृत की बूंद बनकर भक्तों पर बरस रहे हैं। देश के कोने कोने से भक्त यहाँ भगवान के साथ होली खेलने आए हैं, तो घर बैठे आप भी खेलिए होली भक्त और भगवान के बीच, खेलिए मन भावन होली। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी हथेली में सूर्य पर्वत के बारे में, और आज हम बात करेंगे चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत का स्थान हाथ में बुध पर्वत के नीचे होता है। इसका स्थान बुध पर्वत कनिष्ठिका के नीचे होता है, यानी एक तरह से चंद्र पर्वत भी कनिष्ठिका के नीचे होता है बुध पर्वत के बाद। जिस किसी का चंद्र पर्वत पूरी तरह से विकसित होता है वो व्यक्ति बहुत ही गुणवान और कल्पनाशील होता है। ये लोग अपनी कल्पना के द्वारा ही अपनी प्रतिभा अपने हुनर को एक नई दिशा देते हैं। इनकी संगीत काव्य साहित्य आदि में बहुत रुचि होती है और अपनी इस रुचि के चलते ये लोग कलाकार संगीतकार या लेखक बनते हैं। ये लोग परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में समर्थ होते हैं और अपनी इच्छाओं के प्रति आदर्शवादी होते हैं। ये किसी को भी उदास नहीं देख सकते। कल हम बात करेंगे अतिविकसित और अविकसित चंद्र पर्वत के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 10 मार्च को चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज शाम 7:24 तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर बाद 3:34 तक रहेगी। द्वितीया तिथि में छोटे बैंगन का सेवन निषिद्ध है, अतः आज शाम 7:24 तक आपको कद्दू यानी सीताफल का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल दोपहर बाद 3:34 तक आपको छोटे बैंगन या कटहरी का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए पीजिए मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की यात्रा की शुभ दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज मंदिर में गुलाल भेंट करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।